मनीषा रानी ने बोला कि फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हान ही जो है उनके लिए बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर है। पर ऐसा नहीं है कि वो एल्विश को विनर नहीं मानती, एल्विश भी उनके दोस्त हैं। सिद्धिविनायक मंदिर गई है मनीषा और वहां पर जो है मीडिया घुस गई है। मीडिया ने वहां पर भी मनीषा से ढेरों सवाल जो है पूछने चाहे और पूछे भी, जहाँ पर मनीषा ने एल्विश के साथ थोड़ी सी फ्लर्ट भी की। हालांकि एल्विश वहां पर नहीं है, पर फ्लर्ट कर रही है तो जनता तक तो पहुंचाना, यही तो जनता देखना चाहती है और इसी को तो मिस कर रही थी जनता। तो पूछ लिया कि आप मतलब कि एक पहला वाइल्ड कार्ड विनर बना है जो कि एल्विश है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है। जहां पर मनीषा ने बोला कि ये तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर ये बनेगा तो ये बहुत बड़ी हिस्ट्री बनाएगा और वो चीज़ इसने की है, मेरा दोस्त है वो, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। पर अभिषेक भी मेरा दोस्त है और उसने दिल बहुत ही जीते हैं, मेरे लिए वो विनर है। अभिषेक मल्हान मनीषा रानी के लिए विनर है, पर ऐसा नहीं है कि वो एल्विश को नहीं मानती विनर, वो तो एक्चुअली में विनर है। तो गैस यहाँ पर मनीषा रानी जो है अपनी दोस्ती अपना प्यार जो है यहाँ पर भी दिखाती निभाती हुई नज़र आ रही है। और डेफिनेटली मनीषा रानी ने एक विश तो ज़रूर मांगी होगी, एक मन्नत तो फिर से ज़रूर मांगी होगी कि उनका दोस्त अभिषेक मल्हान जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आप लोगों को भी पता होगा कि मनीषा का दिल ऐसा है, क्या कहते हैं, मनीषा ने अभी सिद्धिविनायक मंदिर जाके ये मन्नत मांगी होगी अभिषेक के लिए या नहीं। अगर अंदर से जानते हैं मनीषा को तो बताइए ज़रूर आपके अंदर क्या चल रहा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।